राशि में चंद्रमा आज प्रथम स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज के दिन आपको कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों और प्रियजनों के साथ आपका दिन काफी अच्छा बीतेगा। किसी से कुछ उपहार की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, लेकिन सचेत रहें, आज न सिर्फ अजनबियों से बल्कि दोस्तों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। बाहर घूमने की योजना बन सकती है तथा स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। आज के दिन आपके लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि कई चीजें आपके पक्ष में जाएंगी और आपको कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। आइए जान लेते हैं व्यापार और धन के बारे में। जो जातक नौकरी करते हैं वे अपना कार्य अच्छे तरीके से ही करें, क्योंकि आज आपके बॉस की नजर आप पर बनी रहेगी। वैसे भी अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक ही करना चाहिए। जो जातक व्यापार करते हैं या जिन्हें निवेश करना है, वे आज अच्छे से सोच समझ कर ही निवेश करें, तभी आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। विद्यार्थी की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, तो मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। मौसमी बीमारियां किन्हीं किन्हीं जातकों को परेशान कर सकती है, तो इससे बचने का प्रयास करें। प्रेम संबंध की बात करें तो आज का दिन अपने जीवन साथी को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने से बिल्कुल बचें, इससे आपके रिश्ते अस्थायी तौर पर खराब हो सकते हैं। आपके और आपके जीवन साथी के बीच आज किसी अजनबी के कारण नोकझोंक हो सकता है, तो इससे भी बचने का प्रयास करें। किसी भी बात पे लड़ने से पहले उसकी गहराई के बारे में सोचें। आज के दिन ब्राउन राइस यानी कि पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग, लकी नंबर रहने वाला है 9। आइए अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि में चंद्रमा 12वें स्थान में विराजित हैं, जिसके फलस्वरूप अगर आप अपना दिन खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो आपको मानसिक तनाव और झंझटों से बचकर रहना चाहिए। कुछ दिनों से आपका व्यक्तिगत जीवन ही आपके ध्यान का केंद्र रहा है, लेकिन आज आप सामाजिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने की कोशिश भी कर सकते हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आज आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे। आर्थिक योजनाओं के कारण आपकी कई परेशानियां कम होंगी। परिवार में शांति और आनंद का माहौल बना रहेगा। व्यापार और धन की बात करें तो नौकरी या व्यवसाय, जो भी काम आप करते हैं उसमें आपके सहयोगियों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे कार्यस्थल पर माहौल अच्छा बना रहेगा। आज कई स्रोतों से धन लाभ के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को आज कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। जो जातक मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। फिर भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, खास करके मसालेदार खानों से बिल्कुल बचें। प्रेम संबंध की बात करें तो आज आपको अपने जीवन साथी के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। विवाह योग जातकों के लिए आज का दिन उपयुक्त रहने वाला है। विवाह की बातें चल सकती हैं। आज के दिन दूध या दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग गुलाबी रंग, लकी नंबर रहेगा 5। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में चंद्रमा आज 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज के दिन आपकी चिंताएं कुछ कम होंगी। आपकी कल्पना शक्ति और सृजन शक्ति उभर कर सामने आएंगी। ऐसे में जो जातक साहित्य, लेखन और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको आज सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आज कहीं आप यात्रा पर जा सकते हैं। अगर कोई पारिवारिक उलझन है तो उसे सुलझाने का यह एक अच्छा समय है। आज के दिन आप अपने पारिवारिक रिश्ते नाते के उलझनों को सुलझाने में कामयाब भी रहेंगे, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलें। किसी प्रेमी जोड़ों को मिलवाने में आप मदद कर सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें तो वित्तीय मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के दिन किया गया निवेश आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन निवेश सोच समझ कर ही करें। आपको अपने भागीदारों यानी कि पार्टनर्स के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है।
विद्यार्थी की अगर बात करें तो विद्यार्थियों को साहित्य, लेखन और कला के क्षेत्र के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए खास करके दिन अच्छा रहने वाला है, सफलता मिलने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक कहा जा सकता है, लेकिन अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य के कारण आपको चिंता थोड़ी रह सकती है। आज प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपको महसूस हो सकता है कि जीवन साथी के जीवन में आपकी कितनी जरूरत है। आज के दिन नींबू अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग ऑरेंज कलर, लकी नंबर रहेगा 6। बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि में चंद्रमा आज 10वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज के दिन आपका मन उमंग से भरा रहेगा, लेकिन आज आप थोड़े भावुक भी हो सकते हैं। किसी की बातें आपको ठेस पहुंचा सकती है, तो ज्यादा भावनाओं में ना बहें, वरना आपके स्वाभिमान को भी इससे ठेस पहुंच सकता है। कुछ जातकों के पैसे दूसरों पर खर्च हो सकते हैं, जिससे घरेलू जीवन में कुछ तनाव का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। आपके जो भी प्रियजन है वे आपके भरोसे और वादे की जरूरत को आज महसूस करेंगे। व्यापार और धन की बात करें तो जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें आज ऑफिस में अच्छा माहौल मिलेगा, कामकाज के स्तर में भी सुधार होगा। व्यापार से संबंधित आपको कहीं यात्रा पे जाना पड़ सकता है और यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, तो यात्रा के मौके को हाथ से ना जाने दें, इस मौके का फायदा जरूर उठावें। आपके व्यापार के लिए आज अच्छे संयोग भी बन रहे हैं। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है, मेहनत करें सफलता की प्राप्ति आपको होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो भोजन और नींद में और नियमितता रहेगी, जिससे आपका स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा सकता है, अगर इससे बचकर रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपका प्यार और आपका जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत सा उपहार दे सकता है। आज के दिन दही खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग, लकी नंबर 4 रहने वाला है। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में चंद्रमा 9वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपके काम की अधिकता रहेगी। ज्यादा झूठ बोलने से बचें, इससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है। आज के दिन किया गया निवेश आपके लिए शुभ रहेगा, फिर भी निवेश सोच समझ कर ही करें। आज आपके स्वभाव में भावुकता और कामुकता की अधिकता रहेगी। आज आपके मन में किसी प्रकार का भय बना रहेगा। मानसिक संतुलन बना के रखें, काम और घर वालों का दबाव आज आपको थोड़ा गुस्सेल बना सकता है। आज के दिन यात्रा, मनोरंजन और लोगों से मिलना जुलना आपका होता रहेगा। व्यापार और धन की बात करें अगर तो व्यापार में निवेश करने के योग आज बन सकते हैं। अगर अच्छी योजना बनाएंगे तो आज आपके व्यापारिक प्रतिद्वंदी आपके सामने निर्बल साबित हो सकते हैं। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है। विद्यार्थी अध्ययन में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें। स्वास्थ्य की बात करें अगर तो आज आपको पेट से संबंधित दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज आपके माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, तो अपने माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्रेम संबंध की बात करें तो जीवन साथी से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें, उनके साथ आने वाले दिनों की योजनाएं शेयर करें, इससे आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। आज के दिन अदरक अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग पीला रंग, लकी नंबर 1 रहेगा। बात करेंगे अब कन्या राशि की। कन्या राशि में चंद्रमा 8वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज बेकार के सोच में आपका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। बल्कि अगर सही दिशा में समय लगाएंगे तो उसका फायदा भी आपको जरूर होगा। भागीदारी वाले व्यवसायों में निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए। आज किसी प्रकार का जोखिम ना लें, जोखिम लेने से बचें। आज आपके लिए सफलता प्राप्त करने के दिन हैं। कुछ जातकों के लिए आज की गई यात्रा और निवेश सफल रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्य से आपको यश, कीर्ति और लाभ की प्राप्ति भी होगी। परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। नौकरी और काम धंधे की जगह सहयोगियों का सहयोग भी मिलेगा। खर्च में आपकी बढ़ोतरी होगी। आज लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे जिसे आप लंबे समय से सुनना चाह रहे थे। व्यापार और धन की बात करें तो आज आपका ना चाहते हुए भी फालतू का खर्च बढ़ेगा, तो अपने बढ़ते हुए खर्च पर नियंत्रण जरूर रखें,
ये आपके व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। विद्यार्थी की बात करें तो आज आपका मन चंचल रह सकता है, आज आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा, फिर भी अपने मन को पढ़ाई में लगावे, सफलता इसी से मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो मामूली चोट और वाद विवाद से हानि हो सकती है, आज आपके स्वास्थ्य में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर रखें। प्रेम संबंध की बात करें, प्रेम संबंधों में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जीवन साथी से हल्की नोकझोंक की संभावना भी बन रही है, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य भी हो जाएगा। आज के दिन अगर दूध या दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग, लकी नंबर 5 रहेगा। बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि में चंद्रमा आज 7वें स्थान में विराजित हैं, जिसके फलस्वरूप आज के दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज आपका समय मनोरंजन में बीतेगा, स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होगी, दोस्तों और परिजनों के साथ कहीं घूमने या समय बिताने का मौका आपको मिल सकता है। आज आप जहां भी जाएंगे लोगों के बीच सबके ध्यान का केंद्र बने रहेंगे। व्यापार और धन की बात करें तो आज के दिन आपके लिए कारोबार के विस्तार और धन संग्रह करने के योग बन रहे हैं। किन्हीं किन्हीं जातकों के लिए प्रबल धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की सराहना भी होगी। जल्दबाजी में फैसले ना करें, इससे आपको जीवन में पछताना पड़ सकता है। बात करेंगे विद्यार्थी की। विद्यार्थियों के लिए आज का समय मध्यम रहेगा। फोन और सोशल मीडिया में ज्यादा समय बर्बाद ना करें, मेहनत करें, सफलता वहीं से मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका आज सामान्य रहने वाला है, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें तो आज के दिन आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। आज आप अपने जीवन साथी को यह जरूर बताएं कि वे आपके लिए कितने कीमती हैं, इससे आपके प्रेम संबंध सुदृढ़ होंगे। आज के दिन ब्राउन राइस यानी कि पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग सभी प्रकार के चमकीले रंग, लकी नंबर रहेगा 4। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज 6ठे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपके उदार स्वभाव का गलत फायदा उठाया जा सकता है, तो सचेत रहें। आज आप काफी व्यग्र और चिंतित भी रहेंगे। आज आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है तो अपने फिजूल खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें। मीठी वाणी वाले वाणी पर अपने संयम रखें, वरना आज आपके किसी से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। अपने सहकर्मी और अधीनस्थ कर्मचारियों की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। व्यापार और धन की बात करें तो आज अगर कहीं निवेश करते हैं तो पहले उसके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें। कोई भी कदम उठाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जोड़ लें, तभी कहीं निवेश करें। विद्यार्थी की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज के दिन सोशल मीडिया में ज्यादा समय बर्बाद ना करें, अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। कफ और पेट संबंधी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी से सामंजस्य आपका बना रहेगा। आज के दिन साबुत अनाज अपने खाद्य पदार्थ में आप शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग ऑरेंज कलर, लकी नंबर 1 रहने वाला है। बात करेंगे अब धनु राशि की। धनु राशि में चंद्रमा आज 5वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको अपने जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है। अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करने का आज ढंग से प्रयास करें। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा लेकिन आलस्य की अधिकता से कार्यों में थोड़ा विलंब भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद आज का दिन आपके लिए बहुत ही सक्रिय और लोगों से मेलजोल भरा रहेगा। आज अपने उत्साह में कमी तो बिल्कुल भी ना आने दें। उत्साह में कमी के कारण आज आपके कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं और इसका प्रभाव व्यावसायिक क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है। ज्यादा लाभ के लिए आपको अपने कार्य प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। कुछ राजकीय सहयोग मिलने की संभावना भी बन रही है। संतान के साथ मतभेद हो सकते हैं। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर ही लें, किसी आध्यात्मिक गुरु या ज्ञानी पुरुष की सलाह से लें। व्यापार और धन की बात करें तो अगर कहीं नई व्यापारिक योजना बनाएंगे तो आने वाले समय में उसका लाभ भी आपको मिलेगा। आपके व्यापारिक प्रतिद्वंदी आज शांत रहेंगे। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन सामान्य रहने वाला है।
मेहनत करें, सफलता की प्राप्ति आपको होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप थकान और आलस्य का अनुभव करेंगे। व्यस्त दिनचर्या होने के बावजूद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो विवाहित जातकों को गृहस्थ सुख मिलेगा। आज आपको अपने जीवन साथी से प्रेम और सम्मान की प्राप्ति भी होगी। आज की ब्राउन राइस यानी कि पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग फालसी रंग, लकी नंबर 9 रहने वाला है। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि में चंद्रमा चौथे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपके घर तथा कार्यस्थल में बेहतर वातावरण रहने से आपको काफी प्रसन्नता होगी। मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती भरी यात्रा आपको सुकून दे सकती है। आपके किसी प्रिय व्यक्ति के साथ कुछ मतभेद उभरकर सामने आ सकते हैं, साथ ही लोग आपको आज समझ नहीं पाएंगे। अगर आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहयोगी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। उच्च पदाधिकारी आपके कार्यों की सराहना कर सकते हैं। सरकारी कार्यों से आज आपको सफलता मिलेगी। अपनों से मनमुटाव होने की संभावना भी बन रही है, तो उनसे अच्छे संबंध बना के रखें। व्यापार और धन की बात करें तो आज रोजगार प्राप्ति के प्रयास आपके सफल रहेंगे। नौकरी करने वालों के लिए आज दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारी वर्ग आज थोड़ा संभल कर रहे हैं। विद्यार्थी की बात करें, चंद्रमा के चौथे भाव में होने के कारण आज आपका मन अपेक्षाकृत ज्यादा चंचल रह सकता है। पढ़ाई से आपका ध्यान भटक सकता है, तो अपने पढ़ाई पर ही ध्यान लगावें। सफलता इसी से मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के दृष्टि से आज के दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किन्हीं किन्हीं जातकों को गैस से संबंधित समस्या रह सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम संबंधों के लिए थोड़ी सी खटास उत्पन्न कर सकता है। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं, तो आपको मतभेदों से बिल्कुल बचना चाहिए। आपको अपने प्रेम संबंधों के प्रति सचेत रहना चाहिए। हो सकता है आपका जीवन साथी आज आपके लिए पर्याप्त समय ना निकाल पाए, तो उन्हें समझने का भी प्रयास करें। आज की जौ या जौ से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग भगवा रंग, लकी नंबर 8 रहेगा। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि में चंद्रमा तीसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज के दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको मान सम्मान मिलेगा, साथ ही आपको यश कीर्ति और लाभ की प्राप्ति भी होगी। बुजुर्गों और मित्रों के साथ आपका दिन आनंद में बीतेगा, साथ ही पत्नी और बच्चों के साथ भी आपका समय अच्छा बीतेगा। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना बन रही है। कार्यस्थल पर परिश्रम के अनुरूप लाभ की प्राप्ति भी होगी। कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें, क्योंकि आज उनके खोने का भय बना रह सकता है। आज आपके लिए नया कार्य करने के लिए अच्छा दिन है। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार और धन की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज रोजगार के लिए किया गया प्रयास आपका सफल रहेगा। व्यापार और धन के बाद बात करेंगे विद्यार्थी की। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन सामान्य रहने वाला है। मेहनत करें, सफलता की प्राप्ति आपको होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। बुजुर्ग जातकों को पुरानी बीमारियों से कष्ट हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो आज पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध अच्छा बना रहेगा। संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं, ये आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा ही रहेगा। आज के दिन अंकुरित अनाज खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग आसमानी रंग, लकी नंबर 5 रहेगा। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि में चंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आप कोर्ट कचहरी के मामले से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मन में किसी प्रकार की बेचैनी और चिंताएं रह सकती है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आवश्यक है। आज आप किसी बात को लेकर भावुक हो सकते हैं। आज के दिन अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ जातकों को लंबा सफर तय करना पड़ सकता है, जो काफी भागदौड़ भरा भी रहेगा, लेकिन साथ ही आपके लिए यह यात्रा फायदेमंद साबित हो सकती है। व्यापार और धन की बात करें, नौकरी और व्यापार से जुड़े जातक अपने ऑफिस या व्यापार से संबंधित लोगों से मिलजुल कर रहें, समझ और धैर्य से काम करें, साथ ही कार्यस्थल पर सावधानी बरतें। आज के जल्दबाजी में निवेश तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको कहीं निवेश करना है तो सोच समझ कर ही करें, अनुभवी लोगों की सलाह से ही करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज के दिन सामान्य रहने वाला है। आज के दिन सोशल मीडिया में ज्यादा समय बर्बाद ना करें, अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज अपने
स्वास्थ्य में आपके थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, स्वास्थ्य थोड़ा खराब भी रह सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो आज का दिन आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी से सामंजस्य आपका बना रहेगा। आज का दिन बादाम खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग लाल रंग, लकी नंबर 1 रहेगा।